जनपद संभल में राजघाट गंगा का जल स्तर बढ़ने से कई महत्वपूर्ण ट्रेनें की गई रद्द। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है उससे गंगा का जल स्तर बढ़ना शुरू हो गया है और अब इसका असर जनपद संभल की गुन्नौर तहसील में स्थित राजघाट में भी दिखाई देने लगा है। आपको बता दें कि राजघाट में गंगा का जल स्तर बढ़ने के बाद अलीगढ़ की ओर संचालित होने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इस विषय में जानकारी देते हुए जीआरपी प्रभारी ने बताया कि बारिश के बाद गंगा का जल स्तर जिस तरह से बढ़ रहा है उसको देखते हुए रेलवे प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद आरपीएफ प्रभारी ने स्टेशन पर आए हुए यात्रियों को अपने स्टाफ के साथ समझाया तथा उनसे अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए सड़क मार्ग से जाने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिन यात्रियों ने टिकट लिए थे उनको पैसा वापस करा दिया गया है। अलीगढ़ बरेली पैसेंजर को राजघाट रेलवे स्टेशन पर रोका गया। बरेली इंदौर दिल्ली टनकपुर बरेली चंदौसी समेत कई ट्रेन रद्द कर दी गई हैं। ट्रेनों के रद्द होने से चंदौसी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल है। आरपीएफ थाना प्रभारी फोर्स के साथ यात्रियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आरपीएफ की तरफ से अनाउंसमेंट कराई गई है गंगा का स्तर बढ़ने से कुछ गाड़ियां रद्द की गई हैं, क्या है पूरा मामला? बारिश की वजह से गंगा जी में पानी का स्तर बढ़ गया है, खतरे के निशान से ऊपर जाने की वजह से रेल प्रशासन के द्वारा और रेल के आवागमन को भी सुरक्षा की दृष्टि से रोका गया है ताकि यात्रियों की सुरक्षा की जा सके। जैसे सर, जो यात्री पहले से मौजूद थे जो आ गए थे सफर करने के लिए, उनको फिर किस तरह से आपने समझाया? उन सभी लोगों को समझाया गया पीए सिस्टम के माध्यम से, स्टाफ के माध्यम से समझाया गया कि अपनी आगे की यात्रा बाय रोड तय करें और अपने घर पर सुरक्षित घर पर चले जाएं। और अभी तो ये कब तक ये बंद रहेगा इसका अभी कोई अंदाजा भी नहीं। जिन यात्रियों ने टिकट ले लिया होगा तो उनकी क्या व्यवस्था की गई? जिन यात्रियों ने टिकट लिया है उनको लगभग सभी को रिफंड किया गया रेल प्रशासन की तरफ से टिकट का पैसा, और वे अपने पैसा लेके वापस घरों पे बाय रोड चले गए। टिकट में जिस तरह से कटौती होती है सरकार के नियम में, क्या वो कटौती की गई या पूरा पैसा वापस किया गया? नहीं, पूरा पैसा वापस किया गया। कटौती नहीं की गई? जी।